हेलो गाइस, सो लेट्स सॉल्व दिस एग्जांपल। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि फाइंड द मिनिमम हाइट ऑफ द चिमनी। सो बेसिकली हमें चिमनी की हाइट फाइंड करनी है। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ ड्रॉट ऑफ 16 mm ऑफ H2O, यानी कि यहाँ पर ड्रॉट दिया गया है इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम। इफ द 19 kg ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग 1 kg ऑफ फ्यूल ऑन द ग्रेट। तो यहाँ पर हमें मास ऑफ एयर गिवन है कि 19 किलोग्राम ऑफ एयर चाहिए 1 kg ऑफ फ्यूल को बर्न करने के लिए। द मेन टेम्परेचर ऑफ फ्ल्यू गैसेस इनसाइड द चिमनी इज 330 डिग्री सेल्सियस, यानी कि फ्ल्यू गैसेस का टेम्परेचर हमें यहाँ पर दिया गया है, एज वेल एज एंड द एटमोस्फेरिक्स टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, यानी सराउंडिंग टेम्परेचर यहाँ पर प्रोवाइडेड है। नाउ सबसे पहले तो हमें चिमनी की हाइट यानी कि कैपिटल एच फाइंड करना है। देन हमें क्या दिया गया है कि ड्रॉट ऑफ 16 mm ऑफ वाटर कॉलम, सो स्मॉल एच इक्वल्स टू 16 mm ऑफ वाटर कॉलम। फिर जो 19 kg ऑफ एयर, यानी कि स्मॉल एम इक्वल्स टू 19 kg ऑफ एयर, तो वो हो गया। फिर हमें फ्लू गैसेस का टेम्परेचर यहाँ पर दिया गया है 330 डिग्री सेल्सियस, तो 330 डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। 330 + 273 = 603 केल्विन। एंड देन सराउंडिंग टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, तो TA = 30 डिग्री सेल्सियस, 30 + 273 = 303 केल्विन। नाउ चिमनी की हाइट फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि ड्रॉट दिया गया है, बट वो है इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम। इसके लिए हमें ये स्मॉल एच वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। स्मॉल एच इक्वल्स टू 353 × H, एच यानी कि हाइट ऑफ चिमनी। देन इन ब्रैकेट 1/TA - M+1/M × 1/TF। सो इस फॉर्मूला में हमें ये डेटा सारा पुट कर देना है। स्मॉल एच यानी कि जो ड्रॉट है mm ऑफ वाटर में दिया गया है 16, 353 as it is। कैपिटल एच जो कि फाइंड करना है 1/TA, तो सराउंडिंग टेम्परेचर, तो वो है 303 केल्विन। मास ऑफ एयर M+1 यानी m, तो वो 19 दिया गया है, मास ऑफ एयर 19 kg, अपॉन m है तो वो m, यहाँ M+1 तो 19 + 1, ओके, इंटू 1/TF, तो फ्लू गैसेस का टेम्परेचर 603 केल्विन। सो इनका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें कैपिटल H मिल जाएगा 29.155 मीटर। नाउ यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जब हम कैलकुलेट करें, यहाँ जैसे कि ये 1/303 है, ओके, तो 1/303 यानी एग्जैक्ट फिगर हमें ये मिलेगा 0.00330033003। सो ये सारे पॉइंट के बाद के सारे इंटीजर को हमें कंसिडर कर कैलकुलेशन करनी है, ओके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आंसर में मिसमैच आएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पर 19 + 1 यानी 20/19 × 1/603 ये फिगर मिलेगा। फिर उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, तो हमें ये आंसर मिलेगा। एंड देन हमें कैपिटल एच को फाइंड करना है, जो मिलेगा 29.1545 मीटर। अगर जैसे कि हम सारे नंबर है उनको कंसिडर नहीं करेंगे, जैसे कि यहाँ पर चार ही पॉइंट के बाद के नंबर को कंसिडर कर मैंने कैलकुलेशन किया है, ओके, तो यहाँ पर आंसर आएगा कैपिटल एच इक्वल्स टू 28.32 मीटर। सो ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो हमें क्या करना है कि सारे ही नंबर को यहाँ पर इंक्लूड कर कैलकुलेशन करनी है। दैट्स इट, एंड ऑल द बेस्ट गाइज